देश का पैसा लूटा तो गया है। अब जब देश का पैसा लूटा गया है, उस पर जांच चल रही है, तो इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या है? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम का रास्ता छोड़कर सनातन को मिटाने के रास्ते पे आ गई है। जब तक राहुल गांधी हैं, जब तक राहुल गांधी हैं, कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता और राहुल गांधी जी को कांग्रेस से कोई हटा नहीं सकता। जब माल आता है तो कई तरह की समस्या भी साथ लाता है, तो ये तो कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए कि इतना सारा सैकड़ों करोड़ रुपए का जो उन्हें नोटिस मिला है तो आखिर क्यों मिला है? तो इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी के नेता देंगे। 1800 करोड़ हो या 18000 करोड़ हो, इसका जवाब तो जयराम रमेश और किसी वेणुगोपाल जी को देना चाहिए। सच बात यह है कि चोर कभी भी नहीं कहता कि वो चोर है, डाकू कभी नहीं कहता वो डाकू है, लुटेरा कभी नहीं कहता वो लुटेरा है, लेकिन सच बात यह है कि देश का पैसा लूटा तो गया है। अब जब देश का पैसा लूटा गया है, उस पर जांच चल रही है, तो इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या है? जो नेता ईडी सीबीआई या इनकम टैक्स की जांचों की जद में हैं, वो अगर सच्चे देशभक्त हैं तो उन्हें जांच का सामना करना चाहिए, न्यायपालिका पे भरोसा करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि भारत की न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र है, भारत की न्यायपालिका पर किसी भी सरकार का कोई दबाव नहीं है। तो जब सरकार का दबाव नहीं, अब न्यायपालिका अगर हमारे हक में फैसला कर दे तो न्यायपालिका ठीक है, अगर हमें नोटिस दे दे तो न्यायपालिका गलत है, तो ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम का रास्ता छोड़कर सनातन को मिटाने के रास्ते पे आ गई है, तो जो पार्टी सनातन को मिटाने के रास्ते पे आ गई है, जो पार्टी वंदे मातरम और भारत माता की जय का रास्ता छोड़कर भारत के टुकड़े करने वाले रास्ते पे आ गई हो, उस पार्टी को भगवान भी कैसे बचाएगा? और जब तक राहुल गांधी है, जब तक राहुल गांधी हैं, कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता और राहुल गांधी जी को कांग्रेस से कोई हटा नहीं सकता।